हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास है मोबाइल ओप्पो K10। इस पे FRP के गूगल अकाउंट, हम इसका FRP कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, गूगल अकाउंट है या नहीं। तो पहले हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और दोस्तों, वीडियो है ना पूरा, कहीं भी स्किप मत करना, बाद में फिर कहो कि FRP नहीं निकला ऐसा वैसा। तो वीडियो को पूरा देखना। ये देखिए, ये ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी तो हमारी याद है नहीं, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पीछे बैक कर लेते मोबाइल। बैक कर लेते, ये ऑन ऑफ का जो बटन है इसको 3 बार दबाएंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये अभी हमारा कॉल लग जाएगा, हमको ये कॉल कट कर देना है। हमारा ये जो ऑप्शन आया बीच वाला, इस पर क्लिक करना है। और अभी अलाउ का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक नहीं करना। अगर ये क्लिक कर दिया तो सेटिंग नहीं आएगी, आपको मोबाइल फॉर्मेट डबल से करना पड़ेगा। अभी ये 4वें नंबर पे परमिशन है, इस पर क्लिक करना। ये ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करना है रिसेट, RESET रिसेट। ये अभी 2रे नंबर का है, रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर क्लिक करना है। ये 2रे नंबर का, अभी फिर से रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर क्लिक करना है और हमें रिसेट कर देना है। अभी एक बार और आएगा, ये रिसेट हो गया। अभी ये सबसे नीचे आएगा इरेज ऑल डाटा, हमें यहाँ से फॉर्मेट कर देना है पूरा मोबाइल। यह हमारा मोबाइल फॉर्मेट हो चुका। अभी इसको खुलने में, ओपन होने में मोबाइल टाइम लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी ओपन हो जाए मोबाइल। हमारा मोबाइल ओपन हो गया। चलो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे लेके जाते हैं, स्किप करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ में प्रेस बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मैं आपको सेटिंग में इसका मॉडल दिखा देता हूँ। ओप्पो K10।